इंदौर में बेखौफ बदमाशों ने एक के बाद एक तीन लूट की वारदातों को अंजाम देने का प्रयास किया। बाइक सवार बदमाशों के पर्स छीनने पर दो महिलाएं संघर्ष के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गईं। लुटेरों ने महिला एडवोकेट, स्कूल शिक्षिका समेत एक अन्य महिला को निभा निशाना बनाया। पहला मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र के निपानिया इलाके का है, जहां रिटायर्ड जज की एडवोकेट बहू आराधना सिंह बच्चों को लेने एक्टिवा से जा रहे थे, तभी पीछे से आए बाइक सवार लुटेरों ने आराधना सिंह का पर्स छीनने का प्रयास किया, जिससे वो सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। दूसरी घटना एमआईजी थाना क्षेत्र के अनूप नगर की है। स्कूल शिक्षिका किरण देसाई स्कूल बस से उतरकर अपने घर जा रही थी, तभी बाइक सवार बदमाशों ने किरण का पर्स छीनकर का प्रयास किया। इस वजह से सड़क पर गिरकर महिला गंभीर रूप से चोटिल हो गई। तीसरी घटना छोटी ग्वाल टोली थाना क्षेत्र की है, जहां मनीषा गुप्ता को भी बाइक सवार बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। फिलहाल पुलिस लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर रही है और इन तीनों घटनाओं में शामिल आरोपियों लुटेरों की तलाश की जा रही है। वापस तूफान आती हमारी और अपनी गली की ओर आने लगी, और मेरी साथ मेरी फ्रेंड भी थी, वो सीधे चली गई और मैं टर्न होके मेरे घर तक आई, हमारे घर के गेट तक आई, तभी वो दो स्कूटी में दो लोग थे, तो उसने मेरा पर्स और मेरे हाथ में पर्स और बॉटल की बैग थी, जूट की बैग, तो दोनों मेरे एक ही हाथ में थी, तो दोनों उसने मेरे हाथ से खींच ली, मतलब पकड़ ली, तो मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है मेरा, मतलब भतीजा वगैरह कोई होगा, लेकिन जब वो भागने लगे तो मैं भी उसके साथ खींचती चली गई और मैंने पर्स और कस के पकड़ लिया, मुझे लगा पर्स छोड़ूंगी तो गिर जाऊंगी, और इस चक्कर में उसके साथ खींचती चली गई, फिर मैं थोड़ा दूर चल के ही गिर गई, फिर वो लोग भागे, पीछे से दूसरी बाइक भी आई, कुछ नहीं, काले कपड़े पहने थे, ऊपर वो हुड लगाया हुआ था, मास्क भी पहना था। आज एक वारदात अनूपनगर क्षेत्र में थाना एमआईजी क्षेत्र के अंतर्गत हुई है, जिसमें भी पता चला है कि एक महिला जो कि बताया जाने की स्कूल टीचर है, स्कूल बस जब उनको छोड़ के गई और वहाँ से निकल के अपने घर तरफ अनूपनगर में जा रही थी, तब उनके साथ में कुछ दो एक एक्टिवा सवार या एक मोपेड कोई एक्टिवा जैसी है, उसमें उनके साथ में छीनने का प्रयास किया गया, जिसके चलते महिला काफ़ी इंजर्ड हुई हैं। अभी मामले की हमने जांच में ले लिया है और हम आरोपी के पहचान सीसीटीवी फुटेज व अन्य पूछताछ के द्वारा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बॉम्बे हॉस्पिटल से सूचना आई थी लसूड़िया थाने में कि एक महिला जो है घायल अवस्था में आई है, और उसके द्वारा बताया जा रहा है कि छीना झपटी की घटना हुई है, उस पर से यहाँ पे जो है रोजनामचे में उसका थाना दर्ज किया गया और तुरंत जो है मौके पे हमारी टीम जो है पहुंच गई और उनसे जो है बातचीत की, जहाँ पे जो घटना स्थल है वहाँ के पूरे आसपास के सीसीटीवी फुटेज उसमें तलाशे जा रहे हैं और आगे जो चौराहे तक के, तो करीब 1-1.5 किलोमीटर के दोनों साइड के एरिया हम लोग